रांची में ठंड का कहर देखने को मिल रहा है। सुबह और रात के वक्त कड़ाके की ठंड लोगों को परेशान कर रही है। वहीं घर से बाहर ऑफिस और अन्य कामों के लिए निकले लोगों का सहारा अलाव बना हुआ है। रांची नगर निगम की तरफ से कई जगहों पर चौक चौराहों पर अलाव की व्यवस्था की गई है। रिक्शा चालक और ऑटो चालकों को इस अलाव से भारी राहत मिल रही है। तो अलाव का इंतजाम प्रशासन की तरफ से किया गया है, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। और इस कड़ाके की सर्दी में अलाव के जरिए लोग ठंड काट रहे हैं, रात गुजार रहे हैं। इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। राजधानी रांची में ठंड और कोहरे ने लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया है और कहीं ना कहीं ठंड के बाद इस अलाव ने कहीं ना कहीं लोगों को अब राहत दे रही है। आपको बता दूं कि रांची नगर निगम की ओर से राजधानी रांची के कई चौक चौराहों पर इसी तरह अलाव जलाया जा रहा है, जिससे जो लोग ऑफिस कॉलेज बाहर घर से निकलते हैं। ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। उनको कहीं ना कहीं ठंड की में जो ये अलाव काफी राहत देता है। हम कुछ लोगों से बात करेंगे कि लगातार रांची में ठंड बढ़ता जा रहा है, कितना राहत मिलता है इस अलाव? काफी ज्यादा मिल रहा है, मतलब कि ठंड में तो परेशानी होती है हम लोग कॉलेज जाने में, सुबह सुबह उठ के जाना पड़ता है तो ठंड में बहुत परेशानी होती है। लेकिन ये सब जगह जगह पे जलाया जाता है तो जिससे हम लोग थोड़ा बाहर घूमने आए तो हम लोग यहाँ पे आके थोड़ा अपना हाथ सब सेक लिए तो अच्छा लगता है। और फिर वही अलाव से कितना राहत मिलता है? काफ़ी राहत मिल रहा है सर इस अलाव से। आने जाने वाला रुकने वाला को लिए काफ़ी, मतलब यहाँ अलाव हो गया है तो व्यवस्था बहुत अच्छा है जी। आप बोलिए चाचा, कितना राहत मिलता है अलाव से? बहुत राहत मिलता है, बाहर निकलते हैं रात को ठंड बढ़ता जा रहा है। उससे जान बचाता है। आप बताइए कितना राहत मिलता है? बहुत ज़्यादा राहत है, ठंड बढ़ते जा रही है। 2 दिन से जैसे कि हम लोग को पता चल रहा है कि ठंड ज़्यादा बढ़ गई है, तो ये तो हर एक चौराहे पे व्यवस्था होना चाहिए इस तरह का। बहुत राहत है, बहुत फायदा है भाई। राजधानी रांची में इसी तरह कई जगहों पर चौक चौराहों पर अलाव जलाया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो शहर में रात देर रात तक ऑटो या रिक्शा चालक है वो काफ़ी परेशानी होती है उन लोगों को इस कड़ाके की ठंड में, क्योंकि उनका रोज़गार भी करना है, पैसेंजर को उनके घर तक पहुँचाना है। और सबसे ज़्यादा परेशानी ये ठेला चालक, रिक्शा चालक या ऑटो चालकों को होती है, साथ ही साथ आम लोगों को भी होती है। और ये अलाव कहीं ना कहीं लोगों को बीच वरदान साबित हो रहा है। और जिस तरह राजधानी रांची में ठंड बढ़ता जा रहा है और ये अलाव अब इन लोगों को ठंड से बचाने का प्रयास कर रही है, तो कहीं लोग चाय पीकर ठंड की से राहत ले रहे हैं तो कहीं इस अलाव के सहारे ठंड गुजार रहे हैं। कैमरा पर्सन राहुल दीक्षित के साथ आशीष कुमार तिवारी, जी मीडिया रांची। राजधानी रांची में सर्द हवाओं का असर दिखने लगा है, देर रात कनकनी बढ़ने लगी। मौसम विभाग ने भी लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। हालांकि अगले 2 दिन तक रांची और आसपास के जिलों में मौसम में कोई बड़ा बदलाव नहीं देखने को मिलेगा। और बात करें तो पिछले 24 घंटों में जो सबसे अधिक उच्चतम तापमान है 30.4 डिग्री सेल्सियस जमशेदपुर में रिकॉर्ड हुआ है, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 8.5 डिग्री सेल्सियस खूंटी के कृषि विकास केंद्र में रिपोर्ट हुआ है। बात करते हैं कि आने वाले दिनों में मौसम कैसा रहेगा, तो अगले आने वाले 2 दिनों में जो उत्तरी और मध्य भाग हैं वहाँ पे आपको 2 से 3 डिग्री की गिरावट देखने को मिल सकती है और न्यूनतम तापमान में, जबकि जो दक्षिणी भाग है जिसमें बड़ा बदलाव नहीं था उसमें अगले आने वाले 2 से 3 दिनों में 4 से 5 डिग्री का न्यूनतम तापमान में गिरावट देखने को मिल सकता है। ये अपने गाँव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गाँव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।